पाकिस्तान के हाथ लग गया है अलादीन का चिराग। पाकिस्तान के हाथ तेल और नेचुरल गैस का बड़ा भंडार हाथ लग गया है। पाकिस्तान के समंदरों में दुनिया के चौथे बड़े तेल और गैस के ज़खायर का इंकशाफ हुआ है। दूध और शहद की नहरें बहते बहते अब तेल के समंदर बहेंगे और गैस के दरिया निकल आए हैं। अगर उस चिराग को घिसकर जिनका सही से इस्तेमाल कर लिया गया तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। सर ये IMF YMF तो ऐसे ये पानी भरेंगे पाकिस्तान के सामने, आप क्या बात कर रहे हैं, आपको ये सब बदले लेंगे। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से जो नाक से लकीरें निकलवाई हैं, क्या ये सब बदले लिए जाएंगे। ओगरा मोहम्मद आरिफ ने बताया कि जखायर से बड़े पैमाने पर तेल और गैस की प्रोडक्शन शुरू हुई तो पाकिस्तान की तकदीर बदल सकती है। मैं देख रही थी कि बदले तो लेने शुरू कर दिए गए हैं। जब ड्रिलिंग के बाद अल्लाह करे डिस्कवरी हो जाए उसके बाद बैंक भी और सारे इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी आपको लोन देने के लिए तैयार होते हैं या पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार होते हैं। तो अब इस खबर के बाद पाकिस्तान जिस कंट्री से भी कर्जा मांगेगा, बल्कि अब तो आप डंके की चोट पर और धमकी देकर कर्जा ले सकते हैं। आप कहें मैं कटो पैसे, रसीदा गड्ढो नहीं पैसे कटो, पैसे चाहिए हमें, निकालें निकालें, अपनी जेब ढीली करें, क्योंकि देखें हमारे पास ऑयल और गैस के रिजर्व्स कितनी बड़ी तादाद में निकले हैं। अब आप ऐसा कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हाँ, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि पाकिस्तान को मिल चुका है अलादीन का चिराग। जी हाँ, पाकिस्तान को मिल चुका है अलादीन का चिराग, जिसे रगड़ने के बाद पाकिस्तान की भुखमरी आवाम और उसके भिकमंगे हुक्मरान दोनों अरबपति बन सकते हैं। जी हाँ, तो खबर कुछ इस तरह है कि पाकिस्तान के समंदरों में दुनिया के चौथे तेल और गैस के भंडार मिलने की संभावना जताई जा रही है। जी हाँ, और ये बहुत बड़ी खबर है। दरअसल पाकिस्तानी न्यूज रिपोर्टों की तरफ से ऐसा दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के दोस्त ममालिक कंट्री ब्रदर कंट्री ने पाकिस्तान में आकर पाकिस्तान के समंदरों में दुनिया के चौथे तेल और गैस के भंडार मिलने की संभावना जताई है। जी हाँ दोस्तों, और अगर ये खबर सच है तो आने वाले समय में पाकिस्तान पूरी दुनिया में राज कर सकता है, IMF को लात मार सकता है, अपने भीख मांगने वाले कटोरे शहबाज शरीफ फेंक सकते हैं। जी हाँ, और पाकिस्तान की न्यूज एंकर फिजा खान प्रधानमंत्री बन सकती है, क्योंकि ये पाकिस्तान है और यहाँ कुछ भी हो सकता है। खैर दोस्तों, अब से छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। और ब्रेकिंग न्यूज तो ये है कि पाकिस्तान में तेल और गैस के बड़े ज़खायर दरियाफ्त हो गए हैं। दूध और शहद की नहरें बहते बहते अब तेल के समंदर बहेंगे और गैस के दरिया निकल आए हैं। ये एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है अगर ये सच है, लेकिन इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये तखमीना लगाया जा रहा है, यानी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ऐसा है, और अगर ये अंदाज़ा सही निकल आया तो दुनिया के चौथे बड़े तेल और गैस के रिजर्व्स निकलेंगे पाकिस्तान से। निकल आए हैं सर, निकलेंगे क्या, निकल आए हैं। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद कि पाकिस्तान दुनिया का वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री बनने जा रहा है। सर ये IMF YMF तो ऐसे ये पानी भरेंगे पाकिस्तान के सामने, आप क्या बात कर रहे हैं, आपको ये सब बदले लेंगे। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से जो नाक से लकीरें निकलवाई हैं, क्या ये सब बदले लिए जाएंगे। मैं देख रही थी कि बदले तो लेने शुरू कर दिए गए हैं। मुझे लग रहा है कि ये जो न्यूज़ है वो बिल्कुल सच है। वो कैसे, इसहाक डार ने एक बड़ी स्टेटमेंट दे दी। उन्होंने कहा ये जो हकूमत थी ना PDM की, उस वक्त IMF ये चाहता था कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाए, लेकिन उनका कहना यह है कि IMF PDM की गवर्नमेंट में ये चाहता था कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाए। अब देखें, जो इदारा आपको कर्ज़ा देता है ना, यानी कि जिस थाली में कहते हैं उसमें इस तरीके से नहीं करना चाहिए, क्योंकि IMF अगर आपकी ये स्टेटमेंट सीरियसली ले ले कि आप हर जो बड़ा दुनिया का इदारा है उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और वो तमाम कंट्रीज़ के लिए एक जैसे होते हैं, लेकिन इसहाक डार ने कहा है कि ये क्योंकि उस वक्त वो रिव्यू के लिए ही नहीं आते थे, रिव्यू ही नहीं होता था, तो लेकिन अप्रूवल तो अभी भी नहीं हो रही ना डार साहब, मसला ही है। मज़ा तो उस वक्त है कि आप ये वाली बात उस वक्त कहें जब आप कहें कि ये लें जनाब
हमारा जो अप्रूवल आ गई, ऐसी क्या बात थी, थोड़ी सी देर सवेरी थी आ गई, लेकिन वो तो अप्रूवल अभी तक रुकी हुई है प्रोग्राम की। उन्होंने कहा कि चाइना, सऊदी अरेबिया, यूएई, जिस जिससे आपको पैसे कहे थे कि इतने पैसे इकट्ठे कर लो, तो वो पैसे जो हैं वो अभी तक इकट्ठे नहीं हो सके। तो अब इस खबर के बाद पाकिस्तान जिस कंट्री से भी कर्जा मांगेगा, बल्कि अब तो आप डंके की चोट पर और धमकी देकर कर्जा ले सकते हैं। आप कहें मैं